माँ नमस्ते, मैं कॉलेज जा रही हूँ। तू अकेली क्यों जा रही है? तेरा भाई ड्यूटी जाएगा, वो छोड़ता जाएगा, उसके साथ चली जा। माँ आप चिंता क्यों कर रही हो, मैं अकेली चली जाऊंगी, अभी तो भैया को टाइम लगेगा। कोई टाइम ना लगता, उसे बुला, तेरे साथ जाएगा वो। ठीक है माँ। भैया भैया क्या हुआ? तो ड्यूटी ना जा रहा, इसे कॉलेज छोड़ता जाइए। अरे माँ मैं अभी ना जा रहा ड्यूटी, मैं थोड़ी देर में जाऊंगा। एक काम करो, निशान से बोल दो वो छोड़े आपका इसे। अरे निशान तेरे बाप के दौरे गैर में काम करवा रहा। माँ मैं कहता रही आपसे, मैंने भैया से अंदर ही पूछ लिया था, भैया थोड़ी देर में जाएंगे, मैं अकेली चली जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है माँ। अरे अकेला जाना ठीक ना है, बीच बीच में दोनों भाई छोड़ी आवे। माँ तुम निशांत को बोल दियो वो ले आओगे तो दोपहर को। ठीक है तू जा, मैं निशांत को लेने के लिए भेज दूंगी। ठीक है मम्मी। ठीक है ठीक है माँ, मैं भी तैयारी कर लूँ, मुझे भी ड्यूटी जाना है। ठीक है, मैं तुझे नो बोलू कि तू पढ़ा लिखा है, समझदार है, अब वो जवान हो रही, अकेली भेजना अच्छा ना है, कहीं ऊंच नीच होगी, हम गांव में मुंह दिखाने लायक भी ना रहने के। तुझे पता कि हमारा गांव कैसा है यो? अरे माँ तुम टेंशन ना लो, अनाया बहुत समझदार है, उसे पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे दो। बेटा मैं तो मैं समझा ही सकूँ, आगे थारी मर्जी, मैं तो माहौल को देखते हुए कह रही हूँ। चलो कोई बात ना माँ, तुम टेंशन ना लो, ऐसा कुछ ना होने का, तुम झाड़ू लगा लो, मैं अपना काम करूँ, मुझे ऑफिस जाना है। ठीक है जा। ए भगवान, आजकल के बालकों को क्या समझाने की लगे इन्हें बुरी। निशांत आज पिताजी पूरा बेटा रा गोबर कटर लग रहा, हटा दिया तो नहीं हो? हाँ जी। अच्छा ठीक है, अब एक काम कर, ये नार खाए के निमट जाएंगे ना, पानी पिया दिए। ठीक। और भाई अशोक ठेकेदार के तो जाएगा, पैसे लिया, बहुत रुपए का दूध जा लिया, यहाँ तो खड़ घर तक खवानी पड़ रही है। ठीक है पिताजी, और बता दो किस किस से लेकर नहीं। आजा आराम से बैठ, बताऊं तुझे। बताओ। मेरे से कई बार कह ली, ट्यूबवेल का पानी चलाया, उन पे बहुत रुपए हो रहे हैं, मेरा धर्मवर के तो जाकर ले आता, उन पे कई हजार रुपए हो लिए पानी के। आज ले आऊंगा जाके, बता दो किस किस से लाने हैं बस। और उन मलखान के इनके भी हैं, तुझे बताई तो ही, भूल जा तू सारी बात। अब निकल गई दिमाग से। निकल गई दिमाग से, एक पायल चौधरी का जा रहा दूध, कई महीने हो गए पित्तो पित्तो, उसने नहीं अब लो रुपए पूछा है, रे सब तरह रुपए बटले कर ले, भैंस लानी हमें तो इसी महीने। तुम चिंता ना करो, आज ले आऊंगा सबसे पैसे, अगर कोई पैसे ना देगा ना तो मैं तुम्हारी बात करा दूंगा, तुम बात कर लियो उससे। हाँ ठीक है। अरे अब एक काम कर बेटा, इस खाट को मैं घेरी यहाँ धूप वाली। बैठेंगे बैठ। जा प्याले भैंस को पानी, जो तुझे करना कर ले। ठीक। भाभी भाभी। हाँ भाई साहब। भैया कहाँ है? भैया तो तुम्हारे घेर में। अच्छा भैया घेर में गए हैं? हाँ भाई साहब। अच्छा और निशांत और आर्यन कहाँ है? निशांत तो घेर में, आर्यन ड्यूटी गया है। अच्छा चलो ठीक है, और बिटिया कॉलेज गई? हाँ वो कॉलेज गई। अच्छा थोड़ा ध्यान से भेजा करो, माहौल थोड़ा खराब सा चल रहा है। हाँ, वो तो सही कह रहे। चलो ठीक है, मैं घेर में जाकर भैया से मिल रहा हूँ। चल कोई बात नहीं।
माँ राम राम। राम राम भाई, राम राम जी तारो तू। अरे कहाँ था तू इतने दिन से? अरे माँ, डेयरी में बढ़िया बढ़िया भैंस आ रही हैं, हैं? दो तीन दिन में डेयरी में रह के आया हूँ। अच्छा। हाँ भैया भैंस लेने कह रहे हैं ना। हाँ, कह रही। तो इस चक्कर में गया हा, तो आज बता दूंगा भैया को। बता दी। हाँ वो तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ भाई। खाना वाना टाइम पे खाया कर माँ। खाना वाना सब मिला टाइम पे। ठीक है माँ। भैया राम राम। राम राम भैया, राम राम। आ जाओ भाई। ओके। किस हिसाब में पढ़ रहे हो? अरे हिसाब के ना पूछे भाई, दूध वालों पर न्यारे रुपए चढ़ रहे हमारे, पानी वालों पर न्यारे चढ़ रहे, ट्यूबवेल का पानी चला है, कुछ लोगों ने उधार ले जा रखे, ब्याज भी नहीं दे रहे हमारा। तेरी की भाई। चाचा राम राम। राम राम बेटा, राम राम। पानी प्यारा मैं सकू? हाँ चाचा। अच्छा, अरे पढ़ाई लिखाई करके कुछ नौकरी वोकरी कर ले, भैंसों में ना धरा कुछ भी। अरे चाचा मेरे बस की ना नौकरी वोकरी करनी, नौकरी तो भैया को करन दो। अरे चाचा मैं तो पिताजी के साथ ठीक हूँ, हमारे घेर में और खेत में काम कम है क्या? चल भाई, कैसी तेरी सोच। देख भाई सोमिंदर, मेरा छोटा बेटा निशांत मेरे काम में हाथ बटावे, इसे और न्यारी शिक्षा मत ना देवे तू, नौकरी करने को तो आर्यन बथेरा। हाँ भैया ठीक कह रहा तू, नौकरी में क्या रखा जो अपने काम में मजा, और आजकल तो खेती में वारे के न्यारे हैं। सही बात है। अरे चल तू इन बातों को तो छोड़ यार, यूं बता कई दिन में आया, कहाँ रहा तू? अरे भैया पंजाब में डेयरी में ऐसी ऐसी भैंस आ रही हैं, अब ऐसी ऐसी भैंस आ रही हैं कि देखने लायक, उस चक्कर में गया। अच्छा। हाँ अगर पैसों का बजट हो तो दो चार भैंस और खरीद ले अब कह। अरे पैसों की कमी हमारे दौरे कुछ तो, ये तो बात कह रहा हूँ मैं भी। हाँ, पैसों का तो बजट हो ही जाएगा जब हम करना चाहोगे तो। भैंस तो लेनी भी है, दो भैंस लेवा, एक जोड़ा लेवा बढ़िया। जोड़ा एक से एक आ रहा, एक से एक बढ़िया जोड़ा है भैंसों का। अच्छा। हाँ पर भाई यू सुन ले, 1 लाख से ऊपर ऊपर स्टार्टिंग है भैंस की। वहाँ 14-14 लीटर 16-16 लीटर दूध की भैंस है, देखने दिखाने लायक। ठीक है, मुर्रा नस्ल की भी मिल जाएगी। अरे एक से एक नस्ल भैया, देखेगा तो लुकाएगा, यू है क्या मामला। ठीक है, तेरे गांव में ना ऐसी भैंस एक भी? और भी खाली खाली लग रही भी ना भैंसों के, देखे अरे 5-7 भैंस रहे, दो भैंसों में 3 में गुजारा करना पड़ रहा। भाई खुंटा खाली तो बुरा दिखाई दे रही है। और चल तो कितना बजट है पैसों को बता, अगर ना हो ज्यादा बजट तो पैसा मैं दूंगा कुछ। हाँ और तू तो सारा लगाओगा ही, 5-4 लाख रुपए तो कर देंगे, दिक्कत ना मानना तू। इतना कर देगा तो चिंता ना कर, 6 भैंस लिए ये और बोल। और हाँ मैं नहीं कह रहा, अरे मेरे तो घर में आना जाना कम रहा है, बाहर भीतर का ज्यादा रहा है, माँ का ख्याल भी रख रहा तू ना। अरे माँ का ख्याल क्यों ना रखेंगे, माँ के ऊपर ही तो आजाद है हम, इसके ऊपर खुला घेर घर छोड़ के चले जाए, इसी के ऊपर तो आजाद है। देख मेरी बात सुन, जिसके सिर पे माँ बाप का साया है उससे बड़ा रही इस पृथ्वी पे कोई नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा भाई। हाँ देख हम तो निकट जाओ अपने काम को। हाँ। कोई खेत में जा रहा, कोई कहीं शहर जा रहा, और बम माँ सारी रखवाड़ करे, ढोर डांगरों की और ऊपरी आदमी की किसी की हिम्मत नहीं हमारे घेर में पड़ने की, हमारी माँ बैठी रहे लट लियो। ये तो बात है ही। हाँ और देखे माँ के चरणों में ही स्वर्ग है, मुझे तो यू सौभाग्य मिल नहीं रहा क्योंकि मुझे तो बाहर भीतर के काम इतने पड़ रहे कि बाहर रहना पड़ रहा, पर देखे इस काम को तू कमा ले, इस पुण्य के तू कमा ले, माँ की सेवा करता रहा पूरी। देख सोमिंदर, मन्ने तेरी भाभी तो नहीं कर रखी है, अक घर में चाय बनो, पकवान बनो या रोटी पको, सबसे पहले माँ को देनी, माँ को घेर में रोटी पहुँचा के और जब और खाना पीना खावे। चल भैया माँ की इस तरह से सेवा कर रहा तो सबसे बढ़िया बात है। ना ना ना, बिल्कुल चिंता ना करे तू, घर में बढ़ते ही बुझू तेरी भाभी थे, अग माँ को टाइम पे रोटी पूछाई अग ना पूछाई, दूध पूछाया पीने को अग नहीं पूछाया। ना सही है फिर तो। अब हाँ मैं नहीं कह रहा, अरे अपनी बिटिया भी जवान हो रही है, हैं आजकल पढ़ाई लिखाई का माहौल मुझे कुछ ठीक सा ना लग रहा, इसकी शादी के बारे में भी सोच ले कुछ। शादी के बारे में भी सोचेंगे, देख अभी पढ़ रही है, उसका आखिरी साल है, और अब तो तू 5-4 लाख रुपए भैंसों में लगा लग रहा,
बता पैसे ही लगे ब्याह शादी में भी वैसे ही हो जाके पिपल के पत्ते थोड़ा ही है, पेड़ के तोड़ के लगा देंगे। सही बात है, ठीक बात है। ब्याह शादी का काम ऐसा हो जब ब्याह शादी आवे ना घर में तो भगवान साथ साथ आ जाए घर में, किसी के ना रुकती ब्याह शादी। ना यू बात तो ठीक करो, और फिर कमी थोड़ा ही मारे किसी बात की। हाँ दस बारह लाख के गन्ने चले जाए फसल में। ये तो कह रहा हूँ मैं भी, मैं नहीं कह रहा हूँ अब पढ़ाई लिखाई ज्यादा ठीक ना, ठीक है ना, अब लड़का देख ले कोई और लड़का देख के शादी कर देते हैं इसकी बस। लड़का तो भाई तू ही देखेगा, देख तू दिन रात बारह भीतर रहे तू ही देखे। चल ऐसा कर ले हाँ। मैं देख लूंगा लड़का, कोई दिक्कत ना। हमें तो यहाँ ढोरों में तैयार खेत ही फुर्सत ना होती। और बता। और तो सब ठीक ठाक है भाई, यही है जो लोगों पे रुपया जा रहा वो आ जावे, गन्ने का पेमेंट आ जाओ, फिर हमें क्या चिंता। अरे सब आ जाएगा, अब एक काम कर ले, एक तो आगे से किसी को उधार मत दे, बंद कर दे बिल्कुल उधार उधार देना। अरे जब गरीब आदमी आकर ही डाल लगे तो देना पड़े यार, ना भी ना होती। उधार देवे तो ये सोच के दिए, अगर तेरे से कोई लाख रुपए मांगना आ रहा उधार तो तू उसे यू सोच के दिए 2-4 हजार 5 हजार 10 हजार रुपए कि मेरे उल्टे ना आने। वाह भाई वाह, ऐसा कैसे सोच लू रे, मैं तो 2 रुपए ब्याज के लालच में दू। यू लालच बुरी बला है, जिसने भी लालच करा है ठीक है ना, वही उल्टे पहा हुआ। यू देख लिए पृथ्वी पे लालच बुरी बला रही है। बात ठीक है यार, कहीं कहीं सुथरा ब्याज के लालच में मूल भी मर जा, मूल भी मर जा। ठीक कह रहा भैया। हाँ चलो आगे से ध्यान रखेंगे। और देखिये मेरी बात सुन, जो भी पैसा मांगना होगा उस टाइम आंख उसकी कुछ और रहे हैं। हाँ। हर तरह की गारंटी ले लगाऊ, तेरे पैर भी पकड़ लेगा, धर्म कसम भी खा जाओगा, और जब पैसे लौटाने का नंबर आओगा जब वो आई दाई काटन लगेगा तो ये आई बाई बतान लगेगा, अख मैं लेके भग गया, मर गए पैसे, हम गांव छोड़ के भग गए, ऐसी ऐसी बात का होगा फिर तेरे। बात तो सही कह रहा भैया, मैंने अजमाई भी है, एक ससुरा झिमर का तुसार न्यू कह मुझे मुझे तबाही कह दें। अब तो आंख दिखावे मुझे तबाही कह दें। अच्छा तबाही बतावे, जब हाथ जोड़े था पांव पकड़ा था रुपए लेती फिर। अच्छा अपने आप को तबाही बतावे, और जब मांगना है पैसे जब क्या कह रहा। अरे जब तो ससुरा हाथ जोड़े था कुसामंद करे था न्यू कहता हम थारी रहे हैं, हमें जरूरत पड़ेगी तो थारे धोरे तो आओगे और कहां जाओगे, और अब न्यू कहे तबाही जीता हूं मैं। अरे मैं तो ऐसा मारता ना है ना, एक रेपटे का भी दम ना उसमें। चल भाई छोड़, अब ये उधार उधार बंद कर दे देना, बात खत्म कर। अरे हाँ वो निशांत कहाँ है? निशांत यही है, देखिए वो तो ट्रैक्टर लेके खेत को जाने करा लेने को। निशांत बेटा बाण को लिया था अपनी। अरे माँ मेरे बस की ना है, आ जाएगी अपने आप, मैं तो ट्रैक्टर लेके खेत पर जा रहा हूँ, न्यार लाना मुझे अभी। अरे बेटा एक काम कर, खेत की ट्राल कर, न्यार पड़ा कटे हुआ गंडा से आगे बतेरा, सांझ को आ जाएगा न्यार, तो तू जाएगा लोन जा को लिया, माहौल भी खराब चल रहे हैं आजकल। अः पिताजी पहले घेर का काम करो, अब उसे भी लाओ जाके, आ जाएगी अपने आप। जा बेटा मानने के रहे बात को, जा चला जा। ठीक है जा रहा हूँ। भाभी खाने में क्या बनाया आज? अरे भाई साहब क्या बनाऊंगी, वही आलू गज्जर, खेत में बो रखी थारे भाई ने, बस पाड़ लावे। अरे भैया आपके गज्जर बुआ दी थी 3 बीघे, गाजर हुई मौज की, अपना पाड़ लाओ और बनावे और खावे। और दिखे कभी रायता गाजर का, कभी सब्जी गाजर की, और आज एक काम और करेंगे, आज हलवा घुटवा देंगे सांझ को गाजर का। देख भैया मेरी बात सुन, हलवा तो अपनी जगह ठीक है, हलवा तो खा लेंगे, पर सांझ को आज बढ़िया सी दाल मखनी बनवा ठीक है, और थोड़ा सा शाही पनीर बनवा, और एक बोतल मंगाते हैं और सांझ को बनाते हैं बढ़िया सा मूड। वायु ठीक रहेगा। अरे भाई साहब 8-10 दिन तक हम आलू गज्जर खा रहे, ये कुछ मतलब ही ना, थोड़ा बहुत बता दो कि अलग तक कोई सब्जी बना ले, हम भी बोर हो गए खा खा के। अरे दाल भी तो हमारे घर की है, दाल फूंक दे ठा के। अरे दाल मखनी बना बढ़िया सी, कहे को टेंशन ले रही है। मक्खन की मत बुझ, नूनी घी चपटा भरा धरा हंडिया उसे अभी ताया भी ना इसने वो। अरे भाई साहब जितना घी भैंस के ते काटा इतना ही सारा खा जाओ। अरे अब तो घी रखा ना घर में, आज सांझ का जुगाड़ कर, हम क्या कह रहे तू क्या कह रही है। अरे हमें कुछ काम धाम की बात करनी है सांझ को, एक बोतल मंगाओगे तसल्ली से दाल मखनी और शाही पनीर रखेंगे आगे,
और पानी के हाथ की रोटी और भाभी 4-6 रोटी मक्का की बना लिए, और टेस्ट सा आ जाएगा कुछ। अरे भैया मक्का की रोटियों को कह के और तू नया बीज बुआ रहा, अब यू साग लेने को भगेगी खेत में, साग ना खाऊं मैं बिल्कुल भी, सब जड़ होगा हरी आंथ होली मारी साग खाए खाए के। अरे सुन तो ले, मैंने बोल तो दिया पहले ही, शाही पनीर और दाल मखनी बन जागी, उससे लेंगे ना टेस्ट। चल ठीक है जा तू बना खाना, और मैं भैया को प्रदीप फौजी पता है इंतजाम कर रखा मैंने। कौन से उतर रम रख रहे ज्यादा? अरे आज रम ही लेंगे जाड्डे में, रम ही ठीक है। चल आज राम ही पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जाओ खड़ी क्यों है, खाना बनाइए। भाई साहब बना रहे हैं। बना तू। चाची राम राम। राम राम बेटा जी तरह। निशान ता चाची? वो तो बेटा नया को लेन गया। अच्छा कितने देर में आओगा? बस आ जाएगा थोड़ी बहुत, बार में आने में ही हो रहा। क्या काम है? कुछ ना चाची, ऐसे मिलने आया था उससे। अरे तू उसे साथ तो लेकर जावे, पर मैंने तेरी बहुत चर्चा सुनी बेटा, अब तू बीड़ी बीड़ी पीवे, उसे मत पियाने लग जाइए। चाची मैं ना पीता बीड़ी बीड़ी, लोगों ने वैसी अखवा उड़ा रखी है मेरे नाम की। अरे रहन दे, तेरी जेब में भी पा जाएगी। ए ना चाची चेक कर लो चाहो तुम। तुसार तू कैसे? कुछ ना यार, तुझे बूझना आया। चल ठीक है तो एक काम कर, ट्रैक्टर लेके खेत पे कुछ चल ले, निहार लाएंगे। चल चल। अरे भाई मैं कह रही कदा इसके साथ जाके बीड़ी पीने लग जा। चाची तुम भी कैसी बात कर रही हो उल्टी उल्टी, हम बीड़ी पीवे भला? अरे बेटा मैं तुझे समझा रही हूँ, छोड़ दे ये बीड़ी बीड़ी पीना, गलत बात है। अरे माँ यू ना पीता बीड़ी बीड़ी, कौन कह रहा तुमसे? हाँ तू तो इसकी तरफदारी ले वेगा, तेरा दोस्त है यो। अरे तू चल इन्हें बोलन दे। हाँ हाँ मम्मी तुम सही कह रही हो, भैया इसकी गैल रोज रोज हांडता ना, यू भी पीता ही होगा इसकी गैल। चल तू जो करे करण दे, तू अपने कपड़े वपड़े बदल ले, ठीक है जाके अंदर खाना वाना खा ले। ठीक है मम्मी, मैं तो खाना ही खाने जा रही थी। वैसे ये तो बता दो आपने बनाया क्या है आज? क्या बनाऊंगी, दाल बना रखी। ए यार मम्मी रोज दाल दाल दाल, मैंने कहे तो थे आलू के पराठे बना दियो। बस आलू गज्जर तेरा बापू बनवावे और आलू के पराठे तू बनवावे। मम्मी तुम तो बापू खा ले। अरे भगवान गाजर खत्म होने लग रही खेत में, सारा खेत उपाड़ लिया, तू मुझे गाजर का हलवा करके खवा देती, घने दिन तक कह रहा हूँ देर तक। दूध तो तुम सारा डेरी पे भिजवा दो, गाजर का हलवा कहीं का बने, दूध का ही बनता होगा। चल ठीक है आज सांझ को एक भैंस का दूध रोक लेंगे हम। आज देख लूंगी कितना दूध रखोगे तुम। अच्छा ऐसे कह रही जैसे घरों दूध रहता ही ना हो। अरे दूध पी पी कर दही खाया खाया कर मोटी होती जा रही, ज्यादा मोटापा ठीक ना, फिर सांस फूलने लगेगा। भाई राम राम। राम राम। आ जा भैया। अरे कहाँ घूमता रहे यार तू भी, तन्ने हमें कुछ बताई कब जाएगा भैंस लेने? अरे भैंस लेने तो चले जाएंगे भाई, मेरी बात सुन, तन्ने कुछ जिक्रा भी सुनागा हूँ मैं। ना ऐसा क्या जिक्रा सुनिया? भाई परले मोहल्ले में से एक लड़की भागी एक लड़के के साथ में। अच्छा मोमडन का लड़का हा जिसके साथ भागी है। अच्छा रे ये तो जुलम हो गया भाई, तो गांव का माहौल खराब होता जा रहा। भाई इसीलिए तो कहूँ हूँ मैं कि पढ़ाई वढ़ाई छुड़वा के बिटिया की उसके हाथ पेड़े कर देते हैं भाई। सही कह रहा भाई, तो कुछ पता नहीं होता कब बालक का मन बदल जा। हाँ भाई साहब मैं भी बहुत समझाऊं बहुत कहूँ, इसीलिए तो मैं दोनों भैया ने भेजू से लेने के लिए, कभी कोई से न कभी कोई से न, बहुत माहौल खराब चल रहा इसलिए तो मैं इन्हें समझाती रहूं। वैसा कह तो तू भी ठीक रही है। भैया ठीक कह रही है भाभी, ठीक है ना, अब जल्दी से कोई लड़का देख के इसके हाथ पेड़े कर देते हैं, भैंस भैंस बाद में ले आऊंगे। हाँ भाई पढ़ाई तो पूरी हो ही ली इसकी। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी बहुत रह रही है ससुराल में करवा देंगे ससुराल वाले, आजकल तो लड़की अपनी ससुराल में जाके भी पढ़ ले। बिल्कुल सही कह रहा भैया, ऐसे ही करेंगे। हाँ ऐसे ही कर। कहाँ है लाली, इसे बाहर को बुला और इसे साफ साफ कहो आकाश से कॉलेज जाना बिल्कुल बंद, ठीक है ना? ठीक है जी बुलाती हूँ बेटा, जब बुला के ला। ला रहा हूँ। ये तो भैया तुमने सही सुझाव दिया, बिल्कुल सुझाव देना पड़ा है भाई, अपनी इज्जत देखनी पड़ा है। हाँ पिताजी। आ गई बेटा यहाँ, मेरे धुर बैठ।
हाँ पिताजी, बोलो क्या बात है। बेटा, हमने तेरे अंकल ने एक फैसला लिया है, आज के बाद तू कॉलेज नहीं जाएगी, पढ़ाई लिखाई तेरी सब बंद, और अब तू घर के काम काज सीख ले, कहीं तुझे सासू को जाएगा यूं सुनना ना पड़े कि इसकी माँ उत्ती रांड ने कुछ सिखाया ना। पिताजी ये क्या कह रहे हो आप, मुझे भी पढ़ाई करनी है, मुझे घर के काम वगैरह नहीं सीखने। बेटा बहुत होली पढ़ाई मन निक रहे। नहीं नहीं पिताजी, बस मैं पढ़ूंगी आगे। जो आगे पढ़ना ना तो तेरे ससुराल वाले अपने आप पढ़ा देंगे। पिताजी नहीं पढ़ाते ससुराल वाले। अब शांत कर, जो तेरे पिताजी कह रहे बिल्कुल ठीक कह रहे, हमने भी फैसला लिया, सही लिया है बिल्कुल, सोच समझ गए। हाँ। आप ये कैसी बात कर रहे हो, मुझे अभी पढ़ाई करनी है। तू ना समझ है, बालक है, ठीक है ना, हमने गांव समाज देख रखा है, अगर कुछ बात होगी दंगे में हमारी थू हो जाएगी। भैया मम्मी आप भी, आपको समझाओ पिताजी को। तेरे पिताजी ठीक कह रहे हैं, आज से तेरा घर से निकलना बंद। जो मम्मी पापा कह रहे हैं ना वो सुन बस। भैया तुमने तो पढ़ाई करी नहीं, और तुम क्या चाहते हो मैं भी पढ़ाई ना करूं? बिल्कुल चुप, जा अंदर जा और जैसा कह रहे ना वैसा कर। मम्मी, मम्मी पिताजी को समझाओ ना, मम्मी मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है, ना कि शादी करके रोटी बनानी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है, मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है, मेरा सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं। मम्मी प्लीज आप पापा को समझाओ ना। चुप कर, और जो तेरे चाचा और पापा कह रहे हैं ना वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चल यहाँ से जान दे। वाह पापा वाह, बहुत बढ़िया कर रहे हो तुम इसके साथ। बहन खड़ी हो। भैया पापा, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, तुम इस समाज के डर से मेरी बहन को पढ़ने से रोक रहे हो। अरे पढ़ लिख के कुछ बन जाएगी तो क्या जाता तुम लोगों का। पिताजी अगर जिसको जो करना होता है ना वो वैसे भी कर लेता है। इसे पढ़ने दो पिताजी, इसे पढ़ने से मत रोको, अभी इसकी उम्र ही क्या है, अभी इसे शादी करके कहाँ भेजोगे। अगर चाचा जी शादी के बाद इसका पति नशेड़ी निकला या और कुछ बात हो गई तो ये कम से कम अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो कुछ कमा खा तो लेगी, कहाँ कहाँ भटकेगी ये सोचा कभी तुम लोगों ने। और अगर तुम उसे नहीं पढ़ाओगे और बाई चांस 1% भी ये काम हो गया तो इसकी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। अनाया तू रो मत, तेरा भाई अभी जिंदा है, मैं पढ़ाऊंगा तुझे, देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। अरे आर्यन बेटा, तने तो वाकई में हमारी आंखें खोल दी। अनाया बेटी तू हमें माफ कर दे, हम तो खामोखा समाज के डर से अपनी होनहार बेटी की जिंदगी बर्बाद करने चले थे। नहीं नहीं पिताजी आप ऐसा मत बोलो। बेटा अब तू अपनी पढ़ाई पूरी कर, जितना तुझे पढ़ना है ना मन लगा कर पढ़, और डॉक्टर इंजीनियर जो भी बनना चाहती है वो हमें बन के दिखा। क्यों भैया? हाँ भैया, आज आर्यन ने हमारी आंखें खोल दी। अरे मैं तो इसलिए डर गया था, पता नहीं समाज के डर से, कि जल्दी जल्दी अपनी बिटिया की शादी करके हम दोनों भाई गंगा जी ना जाएं। परंतु हमें तो अब पता लगा इसका भविष्य तो अधर में लटक जाता। आर्यन बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर भैया हम इसे ना पढ़ाएंगे तो हमें लड़का भी तो अनपढ़ ही ढूंढना पड़ेगा ना। बिल्कुल ठीक कह रहा भैया तू, अगर ये पढ़ लिख कर कोई बड़ी ऑफिसर या डॉक्टर इंजीनियर बन गई ना, हमें इसके लिए रिश्ता ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े बड़े अधिकारी रिश्तों की लाइन लगाकर हमारे घर पर खड़े होंगे इसका हाथ मांगने के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहा भैया तू, अब हम सब मिलकर इसे पढ़ाएंगे और इसका सपना पूरा करेंगे। बेटा आर्यन आज तूने सही समय पे आके हम सबकी आंखें खोल दी, हमें क्या किसी को भी अपनी बिटिया को अनपढ़ नहीं रखना चाहिए, उसे जितना मर्जी वो पढ़ना चाहे उसे पढ़ाना चाहिए, उसका सपना पूरा करना चाहिए। अरे पिताजी मैं आप सबको यही तो समझा रहा था। आ जाओ मेरे बच्चों, तुम मेरे गले लग जाओ।